हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सिमर। विंटर्स आ गई है और इवनिंग में डेली गरम गरम सूप पीने का मजा ही कुछ और होता है। आज हम ब्रोकली का क्रीमी सूप बनाएंगे, वो भी बिना कॉर्नफ्लोर या मैदा के, और क्रीम तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्रोकली काफ़ी अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर का, इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इट्स गुड फॉर हार्ट और वेट लॉस में तो बहुत ही हेल्प करता है, और सबसे बड़ी बात बहुत टेस्टी बनता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम एक मीडियम साइज की ब्रोकली लेंगे, उसे वॉश करके बस उसे पीसेस में काट लेंगे। अब एक मीडियम साइज का आलू लेंगे, इसे छोटे छोटे साइजेस में काट लीजिए। अब एक प्रेशर कुकर में 1 टीस्पून बटर डालें और उसमें चॉप ब्रोकली और आलू डालकर कुछ देर पका लें। थ्री टू फोर मिनट्स पकाने के बाद एक गिलास पानी डालकर प्रेशर कुक कर लें। अब बस 2 विसल आने तक पकाएंगे। दो विसल आ गई है, अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इसे वापस कुकर में ट्रांसफर कर देंगे। इसमें 500 ml के अराउंड मिल्क डाल लें। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप अपने सूप को कितना थिक बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली मिल्क कम या ज्यादा ऐड कर लें। सूप में एक बॉयल आने तक वेट करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दें या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट डाल लें, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दीजिए। हमारा हेल्दी क्रीमी टेस्टी ब्रोकली सूप रेडी है पीने के लिए। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।